दोस्तों फिलहाल आज रात से फ्लिपकार्ट पे प्लस मेंबर के लिए फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाली है। और फाइनली मैं आप बता दूं कि हर बार फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं लोगों के साथ में धोखा करता ही है, कभी प्राइस बढ़ा करके कभी किसी और तरीके से। और इस बार फिर से एक नए तरीके का ये लोग स्कैम कर रहे हैं मार्केट में फ्लिपकार्ट पे सेल स्टार्ट होने से पहले ही। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाली है, ऐसे में बहुत सारे लोग एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन पे हमें काफी सारे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कोई भी फोन हो, एंड्रॉइड फोन हो या फिर आईफोन हो या फिर किसी भी ब्रांड का फोन हो, ये सभी चीजों पे ये जो चीज है वो अप्लाई हो रही है सभी स्मार्टफोन्स पे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सबसे पहले हमें डायरेक्ट प्राइस कट देखने को मिलता है, डायरेक्ट प्राइस कट सभी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कम है, सभी स्मार्टफोन पे काफी ज्यादा कम है। उसके बाद में कार्ड का ऑप्शन हमारे पास में आता है और कार्ड का भी जो ऑप्शन है वो सबके पास में अवेलेबल नहीं है। ऐसे में दोस्तों एक और यहाँ पर हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है एक्सचेंज का, कि अगर आप किसी पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपको एक्सचेंज बोनस और एक्सचेंज वैल्यू अच्छी मिलेगी, जिससे ये आप किसी भी स्मार्टफोन को काफी सस्ते में खरीद पाएंगे। अब यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर किस टाइप से ये लोग स्कैम कर रहे हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों अभी दिक्कत क्या है कि फ्लिपकार्ट ने एक्सचेंज वाले स्मार्टफोन की प्राइस को कम कर दिया है। अभी जैसे ही सेल स्टार्ट होने वाली है, इन्होंने जिस स्मार्टफोन का मुझे अभी 8,500 रुपए मिल रहा था बिना किसी एक्सचेंज बोनस के डायरेक्टली, वो उस फोन का अब मुझे कितना मिल रहा पता है आपको? अब मुझे मिल रहा है सिर्फ 6,350 रुपए। तो मतलब एक दिन में वैल्यू इतनी कैसे डाउन हो गई, सीधे 2,000 से 2,500 रुपए कम यहाँ पर हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं अमेज़न के बारे में बात करूँ, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मुझे सेम मेरे स्मार्टफोन की एक्सचेंज वैल्यू मिल रही थी, जैसे कि अगर अमेज़न पे मुझे 8,000 रुपए के समथिंग मिला था, 8,500 रुपए के करीब, और सेम उतना ही फ्लिपकार्ट पे भी 8,500 रुपए के समथिंग मिल रहा था, मैंने काफी बार आपको वीडियो में बताया भी है। अब यहाँ पर क्या है कि सेल स्टार्ट होने से जस्ट पहले, एक दिन पहले, इन्होंने प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू को कम कर दिया है। अब ये तो मतलब एक टाइप का धोखा ही हो गया कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू ही कम कर दिए एक्सचेंज वाले प्रोडक्ट की। अब मेरा फोन काफी अच्छी कंडीशन में है तो मैं न चाहते हुए भी उसे डायरेक्टली 6,000 रुपए का बेचूं, और वहीं पर अगर मैं जाकर के अमेज़न पे चेक करता हूं तो अमेज़न पे एक्सचेंज वैल्यू कम नहीं हुई है, अमेज़न पे सेम मेरे स्मार्टफोन का 8,500 रुपए अभी भी देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि अमेज़न पे ये वैल्यू कम नहीं होने वाली है। इस टाइप की चीजें सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट वाले ही करते हैं यार, कम से कम इस टाइप से अपने कस्टमर्स के साथ मत करो। आप जरूर से अपने स्मार्टफोन की एक्सचेंज वैल्यू चेक करना और मुझे बताना कि आपका कितना कम हुआ है। हालांकि एक्सचेंज करके मैं एक नया फोन परचेस करने के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन जिस टाइप से इन्होंने एक्सचेंज वैल्यू को कम कर दिया, अब 2,000 से 2,500 रुपए में मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में। लेकिन ये चीजें बहुत गलत है फ्लिपकार्ट पे और ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका क्या ओपिनियन है फ्लिपकार्ट के इस एक्सचेंज वैल्यू के चक्कर के बारे में, आप हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस सेल में। और अगर आपके पुराने स्मार्टफोन की एक्सचेंज वैल्यू काफी सही नहीं मिलती है तो आप एक्सचेंज मत करना, क्योंकि अभी आपको दिखा रहा है कि 6,000 रुपए आपको मिलेगा, 6,300 कुछ रुपए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब ये लोग आपके घर पे आएंगे, डिलीवरी बॉय जब आपके घर पे डिलीवर करने आएगा और वो जब आपके पुराने वाले स्मार्टफोन का इंस्पेक्शन करेगा तो उसमें 2 से 2,500 रुपए वो लोग वहां पर कम कर देते हैं। तो आपका ये जो 6,000 अभी दिखा रहा है ना, ये फ्लिपकार्ट सिर्फ और सिर्फ 4 से 3,000 रुपए में आपके फोन को ले लेगा, और अगर 8,000 रुपए दिखाता तो अगर उसको कम भी करते तो उसका 6,000 रुपए मुझे मिल जाता। तो अब 6,000 दिखा रहा है यानी उसका मुझे 3 से 4,000 रुपए जो एक्सचेंज वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली है, क्योंकि जो डिलीवरी पर्सन होते हैं वो एक्चुअल में आपके स्मार्टफोन की वैल्यू डिसाइड करते हैं और वो लोग काफी कम कर देते हैं प्राइस को। तो ये डिटेल है। बाकी अगर आपको नहीं लगे कि मुझे मेरे स्मार्टफोन की जो वैल्यू है वो काफी अच्छी नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर एक्सचेंज मत ही करना, मैं आपको यही बोलूंगा, फ्री में हम अपना फोन थोड़ी दे देंगे। अब आपका क्या ओपिनियन इन सभी चीजों के बारे में है, जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये था उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।